हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का ट्रिक्स आपके सामने लेकर आऊँगा, तो दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो नया लेकर आया हूँ। तो दोस्तों पहले इसके जेस्चर के बारे में बात करते हैं। जेस्चर के में जाने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सबसे नीचे सिस्टम दिख रहा होगा आपको, सिस्टम में जाकर ये देखिए जेस्चर, फिर जेन मोशन। यहाँ दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन एंड डबल टैप टू वेक अप। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अगर आपका स्क्रीन वेकअप है तो डबल टैप पे ये डार्क हो जाएगा और डबल टैप करने पे ये ऑन हो जाएगा। अगले टिप की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑन किया है तो वो और मिनिमाइज़ किया है आपने, तो वो बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है, जिससे कि आपकी बैटरी भी जाती है और रैम भी यूज़ होता रहता है। तो दोस्तों उसको उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सेटिंग में जाएं, सिस्टम में जाएं, इसमें एक आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन आएगा, जिसको आप 7 टाइम्स टैप करेंगे तो ये डेवलपर ऑप्शन आपको आएगा, जो मैंने ऑन कर रखा है दोस्तों। आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, उस पर 7 टाइम्स टैप कीजिए, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डोंट कीप एक्टिविटीज़। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो आप जो भी ऐप मिनिमाइज़ करेंगे वो बैकग्राउंड में स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि आपकी बैटरी भी बचेगी और आपका रैम भी कम यूज़ होगा। दोस्तों अगले टिप की बात करें तो आप इसका डायलर थीम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डायलर थीम डिफ़ॉल्ट में वाइट है। ये 3 डॉट पे जाएंगे, आप सेटिंग में जाएंगे तो देखिए डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आपको डायलर थीम मिलेगा। इसको अगर ऑन कर देंगे तो आपका डायलर थीम डार्क हो जाएगा, देख सकते हैं आप, देखिए डार्क हो गया। सेटिंग में जाके आपको डायलर थीम चेंज कर सकते हैं आप। अगले टिप की बात करते हैं, अगर आप अपने ऐप आइकन का शेप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे अभी ये राउंड शेप में है, अगर आपको चेंज करना है तो अपने स्क्रीन को टैप एंड होल्ड कीजिए, ये देख सकते हैं होम सेटिंग आए, होम सेटिंग में जाने के बाद आपको चेंज आइकन शेप दिख रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ 4-5 ऑप्शन हैं, आप जो भी चाहें उसको ऑन कर सकते हैं, जैसे लाइक मैंने ट्री ड्रॉप किया दोस्तों, देख सकते हैं आप ऐप के आइकन शेप चेंज हो गए हैं। देखिए इसको मैं अब स्क्वायर से ऐप आइकन स्क्वायर करके आपको दिखाता हूँ, टैप एंड होल्ड, होम सेटिंग, चेंज आइकन शेप, स्क्वायर। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऐप आइकन मेरा स्क्वायर हो गया है। दोस्तों अगली टिप की बात करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में बैटरी की परसेंटेज नहीं दिख रही है। अगर हमें बैटरी की परसेंटेज देखनी है तो देखिए दोस्तों सेटिंग में जाएंगे, बैटरी, यहाँ देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज ऑन। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, एक एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन आता है इसमें। एम्बिएंट डिस्प्ले में जाने के बाद अगर आपने ये ऑन कर दिया तो कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद आपका डिस्प्ले जो है वेक हो जाएगा, स्क्रीन जो हो जाएगा वेक अप हो जाएगा। देखिए इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, टॉगल ऑन करने पे आपका स्क्रीन कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद वेक अप हो जाएगा। दोस्तों अगली टिप की बात करें तो इसमें एडेप्टिव डिस्प्ले भी है, जिसका फंक्शन मैं बताता हूँ आपको। सेटिंग में जाएँ, डिस्प्ले में जाएँ और देखिए एडेप्टिव ब्राइटनेस जो है, एडेप्टिव ब्राइटनेस अगर आपने ऑन कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली जैसा इन्वायरमेंट में लाइट होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये स्क्रीन की लाइट हो जाएगी। जैसे अभी देखिए अंधेरा है, डार्क रूम है, तो ये देखिए अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन करने पे ये स्क्रीन लो हो गया, स्क्रीन की लाइट ब्राइटनेस जो होगी लो हो गई, जिससे कि आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगली टिप की बात करते हैं, तो इसमें नाइट लाइट का फंक्शन है। जैसा कि कई लोग रात में रीडिंग करते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो उनकी आंखों पे ज़्यादा असर ना हो, इसके लिए ये वो नाइट लाइट भी ऑन कर सकते हैं इसमें। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, डिस्प्ले, और देखिए नाइट लाइट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें जाने के बाद आप देखिए, आप या तो एक कस्टमाइज शेड्यूल में जाकर आप अपना टाइम डाल सकते हैं, कब चाहिए आपको कब नहीं चाहिए, या तो सनसेट सनराइज़ पे, जैसे कि मैंने देखिए सनसेट सनराइज़ कर दिया। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी है वो चेंज हो गई, जिससे कि आंखों पे असर नहीं होगा, मतलब चुभेगी नहीं। और रात में अगर रीडिंग करना हो जिन्हें, वो आराम से रीडिंग कर सकते हैं मोबाइल पे। देखिए मैंने ऑफ कर दिया वापस से,
लाइट जो है वो ब्राइट हो गई। दोस्तों इसमें स्मार्ट स्क्रीन का भी ऑप्शन है, अगर आपने कोई भी स्लीप टाइम लगा रखा है, आपने सेट कर रखा है अपने मोबाइल में, लाइक 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट कुछ भी, लेकिन अगर आपने स्मार्ट स्क्रीन ऑप्शन ऑन कर रखा है, और कैसे ऑन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में गए, एडवांस, और देखिए स्मार्ट स्क्रीन ऑन। अगर आपने ये ऑन कर दिया और आपने कुछ भी स्लीप टाइम लगा रखा है, चाहे वो 15 सेकेंड हो, 30 सेकेंड हो, या 1 मिनट कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मोबाइल आपने अपने हाथों में पकड़ रखा है या फिर उसमें देख रहे हैं आप, तो आपकी स्क्रीन कभी ऑफ नहीं होगी, अगर इस स्मार्ट स्क्रीन जो ऑप्शन है उसको अगर आपने ऑन कर रखा है तो। दोस्तों आप डिस्प्ले साइज है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। सेटिंग में गए, डिस्प्ले में गए, एडवांस, और देखिए डिस्प्ले साइज है, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इस आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट अगर देखते हैं टिप, तो देखिए ये ब्लिंक लाइट आपको दिख रहा होगा, ब्लिंक लाइट आपने ऑफ कर दिया तो जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आया तो यहाँ एक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, नोटिफिकेशन लाइट है इस फ़ोन में फ्रंट में, तो कोई भी आपको नोटिफिकेशन आई या फिर आपने मोबाइल चार्ज में लगाया तो नोटिफिकेशन लाइट ऑन होती है, अगर ये ऑन रहा तो, अगर ये आपने ऑफ़ कर दिया तो वो नोटिफिकेशन लाइट ऑन नहीं होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ एक स्क्रीन कलर का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन कलर के ऑप्शन में जाने पर आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन के कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कूल कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सिस्टम यूआई ट्यूनर के बारे में बता दूं, सिस्टम यूआई ट्यूनर आपको एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करने के लिए आपको अपने सेटिंग पे टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा। देखिए मैं टैप एंड होल्ड करता हूँ, अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग में मेरे सिस्टम यूआई ट्यूनर नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं नहीं है, जब मैं ऑन करूँगा तो ये लास्ट में आपको सिस्टम यूआई ट्यूनर दिखेगा। देखिए सेटिंग को टैप एंड होल्ड, देखिए ये देखिए नीचे लिख के आ भी गया, कॉन्ग्रेट सिस्टम यूआई ट्यूनर हैज़ बिन एडेड। देखिए लास्ट में गए, सिस्टम में गए, ये सिस्टम यूआई ट्यूनर लास्ट में ऐड हो गया, वो आपको सेटिंग को टैप एंड होल्ड करके रखना है जिससे कि सिस्टम यूआई ट्यूनर आपके सेटिंग में ऐड हो जाएगा। इसको टैप करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टेटस बार और डू नॉट डिस्टर्ब। स्टेटस बार को देखते हैं, देखिए इसमें कई ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा आइकन है जैसा, या कोई सेटिंग है जो आपके नोटिफिकेशन में दिख रहा है, जैसे लाइक वाईफाई है, वाईफाई आपने ऑन तो किया लेकिन किसी को दिखाना आप नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल में वाईफाई या कोई भी ब्लूटूथ या कोई भी ऐसी सेटिंग ऑन है, तो आप यहाँ से उसको ऑफ करके कर सकते हैं। जैसे वाईफाई को दिखाता हूँ मैं आपको, वाईफाई ऑन होने पे भी वाईफाई का ऑप्शन जो है ये देख सकते हैं, इसको जैसे ही मैंने ऑफ़ किया आपको वहाँ, अगर ऑन भी रहा यहाँ तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही अगर ऑन किया आपने तो आपके स्टेटस बार में वो नहीं दिखेगा, अगर जो भी यहाँ आपने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब का मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप रिंग रिंग है, मीडिया है, अलार्म है, सब है, लेकिन यहाँ आपको डू नॉट डिस्टर्ब नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए दिखने लगेगा डू नॉट डिस्टर्ब, देखिए दोस्तों दिख रहा है आपको डू नॉट डिस्टर्ब, ये टैग दिख रहा है आपको, यहीं से आप डो नॉट डिस्टर्ब ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अगर इसको ऑन किया आपने तो। दोस्तों आइए कैलकुलेटर के बारे में आपको कुछ बता दूं मैं, कैलकुलेटर जो है इसमें, ये मैंने कैलकुलेटर थोड़ा चेंज कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में बता रहा था, दिखाता हूँ, ये देखिए डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर है ये इस फ़ोन का, इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यूनिट कन्वर्टर भी मिल रहा है और करेंसी कन्वर्टर भी मिल रहा है, यूनिट कन्वर्टर में जाके आप चाहे आप कोई भी यूनिट हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस, एरिया, मास, वॉल्यूम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर करेंसी कन्वर्टर में जाने जाने जाकर आप देख सकते हैं, कोई भी करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इंडियन रुपी हो, डॉलर हो, यूरोपियन डॉलर हो, जापनीज़ युआन हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर दिखाया मैंने आपको अभी। दोस्तों अगर आपको इफ़िशेंटली अपना स्टोरेज मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिलता है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए आपको इस सेटिंग में जाना होगा,
सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज में जाना होगा। स्टोरेज में जाने के बाद आप यहाँ टैप करेंगे तो आपको देखिए स्टोरेज मैनेजर मिल रहा है। अगर इसको आपने ऑन किया तो आपके 90 डेज़ जो ओल्डर होंगे फ़ोटोज़ वो डिलीट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए लिख रहा है रिमूव फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ओवर 90 डेज़ ओल्ड, यानी 90 दिन से जो भी पुराने आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएंगे। अगर आपको इफ़िशेंटली स्टोरेज मैनेज करना है और आपके पास टाइम नहीं होता है ये सब करने का, तो आप ये कर सकते हैं, अन्यथा इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप कुछ लॉक स्क्रीन मैसेज सेव करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड लोकेशन, लॉक स्क्रीन प्रेफरेंसेस दिख रहे हैं आपको, उसमें जाने के बाद लॉक स्क्रीन मैसेज और यहाँ कुछ भी टाइप कर दीजिए आपको लॉक होने के बाद, सेव कर दीजिए। लॉक होने के बाद वो मैसेज आपको दिखेगा, देखिए वो आपको ADFGGF जस्ट ऐसा ही मैंने टाइप कर दिया था कुछ भी और वो आपको दिख रहा है। अगर आपने कोई अपना मैसेज टाइप किया हो तो वो आपको दिखेगा वहाँ पे। दोस्तों ये आपको मैसेज दिख रहा होगा जो मैंने सेव किया था, उसकी जगह आप कुछ भी मैसेज अपना लिख करके आप सेव कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जैसे कि आपको इमरजेंसी नंबर आप सेव करना चाहते हो तो वो सेव कर दें आप। अगर आपका स्क्रीन लॉक भी है, आपका स्क्रीन लॉक भी है तो भी दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होते होंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ आपके सामने। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स।